Mart laya special ED this Eid. Shop groceries worth of rupees 3000 and get gift card worth rupees 500 for free. Hum Mart kare life aasan. काश मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की जगह नहीं। वैसे तुम्हें मेरे सिवा और कोई बर्दाश्त कर भी नहीं सकता। कोई जरूरत नहीं बर्दाश्त करने की, मत करो बर्दाश्त। ये जो तुम दो दो मिनट बाद नाराज हो जाती हो ना, तुम्हें मनाने की सर्विस सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। हेलो काशी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर कोई खता हो गई मुझसे? फजूल बातें मत करो काशी। मैं नायलापी के घर तुमसे मिलने आऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा, इस बात का एहसास आपको कब से होने लगा? बेटा, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज़। सलाम तो दुश्मन को भी कहा जाता है काशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ। आपको जो कहना है आप जल्दी कहिए। मैंने तुमसे तुम्हारे और सिद्रा के बारे में बात करनी थी। क्या तुम वाकई में उससे शादी करना चाहते हो? ये मेरा मामला है और मैं अपना मामला खुद हल कर सकता हूँ। लेकिन तुम भूल रहे हो, इस मामले में मेरी सूफिया का भी घर जुड़ा हुआ है। वो मेरी भी कुछ लगती है। तभी सिद्रा को ये उम्मीदें दिला रखी हैं तुमने। सिद्रा से मेरा ताल्लुक सूफिया की शादी से पहले का है, बचपन से। सूफिया जब सिद्रा और दानिया के साथ स्कूल जाया करती थी तब से। और तुम जानते हो कि इस तरह के रिश्तों में कितने मसाइल खड़े होते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि आप मुझे समझाने का हक कब का खो चुकी हैं। क्यों, क्या तुम इस बात का भी इनकार करोगे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? माँ बन के आपने कब पाला है मुझे उनोमी को? हाँ, माना के माँ के पांव के नीचे जन्नत होती है, लेकिन औलाद के नाम के आगे बाप का नाम क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि माँ का कुछ पता नहीं होता कब आपको रास्ते पे छोड़ के चली जाए। मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारे अंदर का जहर कभी खत्म नहीं होगा। माँ बन के दिखाती ना तो नौमी कभी तन्हा नहीं होता, इस बेवफा बेमुरवत लड़की का साथ नहीं देती। तुम हमेशा सच जाने बगैर दूसरों को मुजरिम क्यों ठहरा देते हो काशी? जब सिदर आपको मिले ना तो उसे कह दीजिएगा कि इस बारे में आपकी कोई बात नहीं हुई है। क्यों, क्या तुम उसे ये बात खुद नहीं कह सकते? मैंने कहा था ना, आपने अपनी औलाद के लिए कभी कुछ नहीं किया। जो तुम और सिद्रा चाहते हो वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर सिद्रा के घर नहीं जाऊंगी। कल बहुत देर नहीं लगा दी थी तुम लोगों ने? हाँ, वो अम्मी ने खाने पर रोक लिया था। अच्छा किया, इसी बहाने तुम्हें बात करने का मौका मिल गया होगा ना उनसे। कौन सी बात? यही कि आंटी मेरे रिश्ते के बारे में बात करें मामा से। सिद्रा, तुम्हारे रिश्ते की बात मैं क्यों करने लगी अम्मी से? क्योंकि तुम काशी की बहन हो, इतना तो कर सकती हो ना। क्या काशी वहां पर भी नहीं गया था? नहीं, वो नायला फूफो की तरफ शिफ्ट हो गए। तुम्हारी बात हुई थी काशी से? हुई थी। तो
तुमने वाकई आंटी से मेरे बारे में बात नहीं की? सिद्रा देखो, अगर काशी भाई को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट होगा ना, तो वो खुद बात करेंगे अम्मी से, मैं नहीं कर रही। एक बात तुम याद रखना सूफिया, तुम्हें मैं इस घर में इसी शर्त पर लाई हूँ। अच्छा बस बहुत हो गया सिद्रा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ मुझे ताना मत दो। मेरे इस घर में आने की वजह तुम नहीं हो, हमजा बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। बहुत एहसान फरामोश हो तुम। नहीं चाहिए आपके एहसान, और मुझे आइंदा अपने एहसान मत गिनवाना। क्या हो रहा है? आप खुद ही पूछ लेना, मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा। जी अर्जुन, आप बस ऐसा ही समझिए कि दानिया मेरी ही बेटी है। हाँ वो तो ठीक है नायला, लेकिन हम लोग फिर भी एक दफा दानिया से मिलना चाहेंगे। हाँ तो मैंने आपको तस्वीरें भेजी है ना? हाँ तस्वीरें तो मैंने देखी हैं और अहमद को भी दिखाई हैं, और तस्वीरों में तो दानिया हमें बहुत पसंद आई। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, मैं भाईजान से बात कर लेती हूँ और आपको और अहमद को वहाँ ले जाती हूँ। हाँ ये मुनासिब रहेगा। अर्जुमन आपने अहमद को तो सारी बात बता दी थी ना? डोंट वरी नायला, तुम तो हमें अच्छी तरह जानती हो, और मैंने अहमद को भी सब कुछ बता दिया है। हमें कोई क्लास कॉम्प्लेक्स नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज शाम को ही चलते हैं। ठीक है नायला, मैं शाम को अहमद के साथ तुम्हारी तरफ आती हूँ। ठीक है बाय। आप दानिया की शादी करवा रही हो? हाँ वो अर्जुमन आंटी से तो मिली हो ना तुम, उन्हीं का बेटा है अहमद, बहुत अच्छा लड़का है। मम्मा प्लीज, कोई भी फैसला दानिया की मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इश्मत तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोगों की मर्जी के खिलाफ फैसले करती हूँ? जहाँ तक मुझे अंदाजा है दानिया काशी भाई से मोहब्बत करती है। करती थी, काशी ने ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया था। फिर भी कुछ भी करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि काशी भाई अब यहीं रहते हैं, उनको किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। शाइस्ता, अरे शाइस्ता कहाँ हो? हेलो, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ नायला का फोन आया था। नायला आ रही है अभी थोड़ी देर में अहमद और उसकी माँ के साथ। आज ही? हाँ नायला बता रही थी कि उन लोगों की नजर में बहुत सारी लड़कियां हैं। आप बस दुआ करो कि उन्हें हमारी दानिया पसंद आ जाए। दानिया, दानिया बेटा। जी अम्मी। ये सब लेकर जाओ, मैं आके समझाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। खुदा करे कि अहमद को हमारी दानिया पसंद आ जाए। नायला तो ये भी बता रही थी कि दानिया उन्हें पसंद है, ये मुलाकात तो बस एक बहाना है। अल्लाह करे ऐसा ही हो बस। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अगर ऐसा हो गया ना शाइस्ता, तो हमारी दानिया के भाग जाग जाएंगे इंशाल्लाह। चले मैं देखती हूँ जाके। जाओ जाओ जाओ। रोज बेटा क्या हुआ है? मुझे क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मामा मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। मेरा पास चले तो मैं अपने आप को ही आपसे छुपा लूं, मेरी वजह से आपको कितने ताने सुनने को मिले। नहीं मेरी जान, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मामा मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से आपको कोई दुख मिले, कोई आप पे उंगली तक उठाए।
काशी भाई ने मेरी वजह से आपको कितना कुछ कह दिया। नहीं बेटा, काशी ने तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कहा। हमारा रिश्ता तो ऐसा हो गया कि नफरत उगले बगैर उसे रहा ही नहीं जाता। बस इस बार वो तुम्हें भी बीच में ले आया। मामा, मेरा तो दिल चाह रहा था कि काशी भाई को मैं सब सच बता दूं। जिन फुप्पो की वो तारीफ कर रहे हैं ना, उन्हीं फुप्पो की वजह से मेरा और नौमी का रिश्ता आज प्रॉब्लम में आया। लेकिन मामा, फिर मैंने सोचा कि जिसने आज तक आप पर यकीन नहीं किया, उसे मेरी बात पे क्या यकीन आएगा। मैंने हमेशा खुद को यही तसल्ली दी है, एक न एक दिन खुदा मेरी आजमाइशों को खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ तो आजमाइशों का सिलसिला और भी बढ़ता जा रहा है। मामा, आप सूफिया से कहें कि वो हमजा भाई को सब बता दे। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि उनके घर में अभी से मसले शुरू हो जाएं। सिद्रा और काशी को ये मामला खुद ही हैंडल करना चाहिए। मामा, सिद्रा बहुत चालाक है, वो तो सूफिया का जीना मुश्किल कर देगी। अल्लाह मेरी सूफिया की मदद करे। उसने हमेशा मेरी तरह अपनों के हाथों दुखी उठाए हैं। भला करे कि अगर काशी के दिल में सिद्रा से शादी करने का कोई भी ख्याल है वो खत्म हो जाए। भाईजान, अगर आप अहमद से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अरे नहीं नहीं नायला, बस तुमने सारी तसल्ली कर ली है ना, तो फिर मुझे भला पूछने की क्या जरूरत है। सब ठीक है, मेरी तरफ से सब ठीक है। वादा करके लेके जाऊंगी आपकी बेटी को, उसको मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी बेटी भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी, बहुत समझदार और सुघड़ है। मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बेटा, जरूर पूछ सकते, पूछो। हो सकता है कि शादी के बाद मैं दानियों को अपने साथ कनाडा लेके जाऊं? कहीं आपको इस बात पे किसी किस्म की ऑब्जेक्शन तो नहीं होगी? अहमर बेटा, ये बात तो बाद में भी हो सकती है। नहीं मामा, ये बात आज ही क्लियर हो जाए तो ही बेहतर है। कल को ऐसा ना हो कि ये लोग हमें कहें कि हम अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं भेज सकते, बाहर नहीं भेज सकते। अहमर बेटा, हमने अपनी बेटी दे दी है, अब जैसे आप लोगों की मर्जी। थैंक यू अंकल। वैसे भी बेटा, माँ बाप की मर्जी तब तक ही चलती है बेटियों पर जब तक वो माँ बाप के घर होती हैं। असल में बिजनेस मामलात की वजह से अहमद का ज़्यादातर वक्त मुल्क से बाहर ही गुजरता है, और मैं भी यही समझती हूँ कि लड़की को अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। बस अब आप ये बताइए कि दानिया की रुख्सती कब कराएंगे? आपकी बस यूं समझे कि आपकी अमानत है, जब दिल करे आप फुर्सत करके ले जाइए। क्यों जी? बिल्कुल। लगता है दानिया को बुरा लग गया। नहीं बेटा, ऐसे मौकों पे लड़कियां इसी तरह रिएक्ट करती हैं। बेटा चाय पियो ना, चाय पियो। जी क्या जरूरत थी वहां से उठकर आने की? दानिया वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके यहाँ इस तरह की बातों को बुरा माना जाता है। और अहमद ने तो पूछ ही लिया कि शायद तुम्हारी इस रिश्ते में मर्जी नहीं है। चले गए वो लोग? हाँ चले गए। मैं तो इंतजार कर रही थी अम्मी कि आज ही हुक्म मिल जाएगा कि जाओ दानिया उनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। शर्म करो, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने इतने अच्छे लोगों को हमारे घर में भेजा है। क्या अच्छाई है उनमें? ये कि वो पैसे वाले हैं या नायला को पोने लाई हैं? इन दोनों बातों से अहम बात यह है कि हमारी हैसियत के फर्क को जानकर भी वो इस रिश्ते को कबूल कर रहे हैं। अगर खुदा बंद दरवाजे खोल रहा है तो उन्हें खुलने दो। किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती, कुछ अकल ठिकाने लाओ।
मुझे तो दानिया बहुत अच्छी लगी, खामोश तबा सुलझी हुई, और माँ बाप भी बहुत शरीफ लोग लगे। और सबसे बढ़कर ये कि नायला ने यकीन दिलाया है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ अहमद। मैं सुन रहा हूँ मामा। और क्या जरूरत थी वहाँ सवाल जवाब करने की? तुम्हें तो दानिया को अपने साथ लेके जाना ही था, बाद में पूछ लेते। आपको लगता है कि वो लड़की मेरे साथ मूव कर सकेगी? जो मूव कर सकती थी उसे तो तुमने रहने नहीं दिया। अब प्लीज अहमद, खुद को कंट्रोल में रखना। तो तुम यहाँ पर भी पहुंच गए? तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हो काशी। देखो सिद्रा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा। तुमने मुझसे वादा किया था काशी, तुम उस वादे से मुकर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। देखो सिद्रा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं लाख कोशिश कर लूं लेकिन अपने आप को तुम्हारी मोहब्बत का कायल नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत किसने मांगी है काशी? मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत पर उसी दिन अपना हक समझना छोड़ दिया था जिस दिन तुमने मेरे सामने इंतहाई बेरुखी से दानिया का हाथ थामा था। मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारे साथ की ख्वाहिश है मुझे। सिद्रा, हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है। तुमने ऐसा सोचना शुरू कर दिया ना तो मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो काशी। फस से कहा नहीं कि वो सिद्रा का रिश्ता मांगने चाहे? पापा वो कभी नहीं मानेंगे। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी पसंद सुन के। काशी मेरी पसंद नहीं है मामा, मेरी मोहब्बत है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पापा और हमजा क्या सोचेंगे इस बारे में?